दोस्तों स्वागत है आपका मैं YouTube चैनल अतुल क्रिकेट एकेडमी में। आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इंडिया ने इंग्लैंड को तीसरे डिसाइडर एक नेल बाइटर में एक क्लोज कॉन्टेस्टेड मुकाबले में हराया और साथ ही न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के पहले T20 इंटरनेशनल में क्या हुआ आज के स्टूडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं YouTube चैनल अतुल क्रिकेट एकेडमी को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मुझे इंस्टाग्राम और कॉन्टेक्ट पे भी फॉलो कर दीजिए, आईडी स्क्रीन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टीम सिलेक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन टीम की टीम सिलेक्शन की बात करते हैं। इंडियन टीम ने बहुत रन खा रहे कुलदीप यादव को बाहर बैठाया और अंदर लाए टी नटराजन को, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा चेंज साबित हुआ और वो मैच विनिंग चेंज भी बन गया। और फिर साथ में एक बदलाव किया इंग्लैंड टीम ने रीस टोपली को अंदर रखा, रीस टोपली को बाहर नहीं भेजा और मार्क वुड को अंदर नहीं लाया। मार्क वुड अंदर आए लेकिन टॉम करन बाहर गए, जो कि बहुत अच्छा चेंज था। उसके बाद अब अगर मैच की बात की जाए तो इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीता और इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीता। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले इंडिया को बैटिंग करने के लिए कहा। जब इंडियन टीम बैटिंग करने उतरी तो फेस बाय फेस बात करते हैं। पहला फेस, पहला पावर प्ले। इस पावर प्ले में इंडियन टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहले बार वनडे में इंडियन टीम ने पावर प्ले में विकेट नहीं खोया। पहले पावर प्ले में इंडियन टीम ने एक बहुत पिटाई करी इंग्लैंड के बॉलर्स की और 10 ओवर में 65 रन जड़ दिए बिना विकेट गवाए। रोहित शर्मा नॉट आउट थे, कुछ 24 ऐसे कुछ रन पे नॉट आउट थे रोहित शर्मा, और शिखर धवन भी ऐसे ही कुछ रन पे नॉट आउट थे। रन रेट बहुत अच्छा था, 6.5 का था। इस सीरीज में इंडियन टीम के हिसाब से बेस्ट वो। मिडिल ओवर्स की बात करते हैं। मिडिल ओवर्स 11वें ओवर से 40वें ओवर के बीच, इस ओवर में क्या हुआ अगर इसकी बात की जाए तो इन 30 ओवर्स में इंडियन टीम ने बहुत ज़्यादा विकेट खो दिए। कुछ 6 विकेट खोए इंडियन टीम ने। और रन्स की बात की जाए, रन्स बहुत बनाइए, 218 रन्स बनाए, 6 विकेट खोए, कुछ 7.26 के रन रेट से रन बनाए। और अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की तो शुरू से बात करते हैं। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने अपनी पारियों को कंटिन्यू किया। रोहित शर्मा 37 रन बना के आउट हुए, शिखर धवन 67 रन बना के आउट हुए। दोनों को आदिल राशिद ने आउट किया, 2 क्विक विकेट्स मिले। फिर मोइन अली को एक अच्छी बॉल पे आउट कर दिया, मोइन अली ने एक अच्छी बॉल पे विराट कोहली को आउट किया। उसके बाद केएल राहुल और साथ में ऋषभ पंत थे बैटिंग में, केएल राहुल जल्दी ही आउट हो गए। केएल राहुल 7 रन बना के आउट हो गए एक फुल टॉस पे लेग साइड के तरफ मारने के चक्कर में। उसके बाद ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बीच 99 रनों की अच्छी खासी साझेदारी हो गई। हार्दिक पांड्या 64 रन बना के आउट हुआ और ऋषभ पंत 78 रन बना के आउट हुए। दूसरे पावर प्ले के एंड तक यही हुआ। दूसरे पावर प्ले के एंड में कृणाल पांड्या के साथ बैटिंग क्रीज पे थे दूसरे बैट्समैन शार्दुल ठाकुर, दोनों 6-6 रन बना के नॉट आउट थे। उसके बाद आखिरी फेज की बात करते हैं तो आखिरी फेज में इंडियन टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, 46 रन बनाए, सिर्फ 8.3 ओवर्स खेल पाए, 8.2 यानी कुछ खेल पाए इंडियन टीम। 50 गेंदे खेली आखिरी फेज में और इंडियन टीम ने 46 रन बनाए, 4 विकेट गवा दिए। 30 रन बनाए शार्दुल ठाकुर ने, 25 रन बनाए कृणाल पांड्या ने, और इस तरह से इंडिया की टीम 329 रन पर सिमट के रह गई। इंडिया की पूरी टीम। इंग्लैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो इंग्लैंड के लिए सैम करन की आज पिटाई हुई, 3 विकेट मिले मार्क वुड को और वही सबसे अच्छे बॉलर साबित हुए। अच्छी बॉलिंग की रीस टोपली ने, बेन स्टोक्स भी थोड़े महंगे साबित हुए। आदिल राशिद को 2 विकेट मिले लेकिन 81 रन खा गए। फिर मोइन अली ने भी अच्छी बॉलिंग की। इस तरह से 330 का लक्ष्य मिला इंग्लैंड की टीम को, जो वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप माशाल्लाह ऐसी बैटिंग लाइनअप है, कोई लक्ष्य उनके लिए बड़ा नहीं है। 450 बना दोगे तो हो सकता है चेज हो जाए। लेकिन हम बात करते हैं इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड की टीम ने पहले बार पावर प्ले में विकेट खोया, इस बार पहले बार पावर प्ले में विकेट खोया। इंग्लैंड का पावर प्ले स्कोर था 66/2,
दो विकेट खोए लेकिन इंडिया से फिर भी पावर प्ले में एक रन ज्यादा ही था। जेसन रॉय ने पहले ओवर में बहुत आतिशी पारी खेली लेकिन पहले ओवर के आखिरी बॉल पे भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें आउट किया। जॉनी बेस्टो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए इस मैच में, एक रन बना के आउट हुए। उसके बाद आए बेन स्टोक्स और डेविड मलान। बेन स्टोक्स 33 रन बना के नॉट आउट थे पहले पावर प्ले के एंड में और डेविड मलान 4 रन बना के नॉट आउट थे 10 बॉल पे। 6.6 के रन रेट से चल रही थी इंग्लैंड की टीम। दूसरे फेज की बात की जाए तो जो 11 से 40 ओवर के बीच का होता है उसमें 194 रन बनाए और 6 विकेट गवाए इंग्लिश टीम ने, 6 विकेट जो कि बहुत ज्यादा हो गया। अगर इसकी पूरी तरह से जांच की जाए तो बेन स्टोक्स 35 रन बना के आउट हुए। उसके बाद बैटिंग करने आए जोस बटलर कप्तान, थोड़े देर खेले 15 रन। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी हुई 70 ऑड रन की डेविड मलान और लियम लिविंगस्टोन के बीच। लियम लिविंगस्टोन 36 रन बना के आउट हुए। उसके बाद थोड़े देर बाद डेविड मलान भी 50 रन बना के आउट हो गए। लग रहा था इंग्लैंड की टीम बिखर जाएगी लेकिन मोइन अली और सैम करन ने थोड़े देर पारी को संभाला। उसके बाद मोइन अली भी ज़्यादा देर और टिक नहीं पाए, 28 रन बना के आउट हुए। फिर सैम करन के साथ आए क्रीज पे आदिल राशिद। आदिल राशिद और सैम करन ने कुछ 50 और रन की पार्टनरशिप करी। आदिल राशिद कुछ रन बनाए, आदिल राशिद ने भी कुछ 18-20 ऐसे बनाए और सैम करन 49 रन बना के नॉट आउट थे। उसके बाद आखिरी फेज में इंग्लैंड अभी भी जीवित थी। इंग्लैंड को कुछ 68-69-70 ऐसे कुछ रन चाहिए थे। सैम करन के साथ क्रीज पे थे मार्क वुड। मार्क वुड 1 रन बना के नॉट आउट है, सैम करन 49 रन बना के नॉट आउट थे। सैम करन एंड तक खेले 95 रन बना के नॉट आउट गए लेकिन वो इंग्लैंड को जीत नहीं दिला सके। आखिरी फेज में इंग्लैंड ने 46 रन ऐसे कुछ रन बनाए, 46-50 ऐसे कुछ रन बनाए लेकिन जीत नहीं। इंग्लैंड ने 62 रन बनाए आखिरी फेज में और एक विकेट खोया। लग रहा था इंग्लैंड जीत जाएगी लेकिन मार्क वुड रन आउट हो गए। मार्क वुड अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन दूसरे रन लेने के चक्कर में मार्क वुड रन आउट हो गए। मार्क वुड रन आउट इसलिए हो गए क्योंकि सैम करन फिसल गए थे अपने चोट पे और दूसरा रन नहीं ले पाए आखिरी ओवर में और मार्क वुड रन आउट हो गए। रीस टोपली ने एक रन लिया लेकिन फिर 4 बॉल पे 12 रन चाहिए था जो नहीं बना पाए सैम करन और इंग्लैंड टीम ये मैच हार गई। अगर बात की जाए इंडियन टीम की बॉलिंग की तो इस बार प्रसिद्ध कृष्णा के पीछे अच्छे खासे पड़े। फिर कृणाल पांडे को कैसे छोड़ती इंग्लिश टीम। हार्दिक पांड्या ने अच्छी बॉलिंग करी, भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छी बॉलिंग करी, टी नटराजन ने भी अच्छी बॉलिंग करी। टी नटराजन को अगर नहीं लेते तो आखिरी ओवर अगर कुलदीप या प्रसिद्ध में से किसी को डालना होता तो हो सकता है आखिरी ओवर में कुछ 15 रन बचे थे, हो सकता था इंग्लिश टीम 15 रन आसानी से बना लेती अगर प्रसिद्ध कृष्णा या कुलदीप यादव बॉलिंग करते हैं। कुलदीप यादव के पिछले मैच की फॉर्म जैसी थी और प्रसिद्ध कृष्णा की इस मैच में फॉर्म जैसी थी लेकिन इंग्लैंड नहीं बना पाई और टेस्ट सीरीज 3-1 से हारने के बाद, वनडे सीरीज 3-2 से हारने के बाद, सॉरी T20I सीरीज 3-2 से हारने के बाद 2-1 से हार गई ODI सीरीज। अब अगर न्यूजीलैंड वर्सेज बांग्लादेश के पहले T20 इंटरनेशनल की बात की जाए तो बांग्लादेश टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया। जब कीवी टीम बैटिंग करने आई तो मार्टिन गप्टिल ने 35 रन बनाए, डेवन कर्नवे ने फिर से एक बड़ी अच्छी पारी खेली 92 रन नॉट आउट और साथ ही ग्लेन फिलिप्स ने भी 24 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली इन पारियों और विलियम ने भी 54 रन बनाए इन पारियों की मदद से न्यूजीलैंड की टीम 210 रन तक पहुंच गई। उसके बाद जब बांग्लादेशी टीम बैटिंग करने आई ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई। M9 ने अच्छी पारी खेली 27 रनों की, मोहम्मद सैफुद्दीन ने 34 रन बनाए और साथ ही असदिक या ए हुसैन है कुछ, उन्होंने 44 रनों की एक अच्छी पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए 4 विकेट मिले कीवी स्पिनर इश सोडी को। इन परफॉर्मेंस के दम पर न्यूजीलैंड ने पहला T20 मैच जीत लिया और सीरीज को 1-0 से अप हो गए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। Stay on set. Thank you.